very exciting for all of us. We have just landed in Dubai. This is the first flight from Bhubaneswar to Dubai, and the first of many such flights. We are all very excited. On the way, there were many passengers who were saying that it used to take them a long time to come. They had to come via Hyderabad or Bombay or Delhi. And so they are all also very excited that this flight has started. Chief Minister Sri Naveen Patnaik, and with the cooperation of the Minister of Civil Aviation, this has been a reality. And moreover, the Odia diaspora here have been, for a long time, they have been demanding this, and the cherished desire has been fulfilled. Bhubaneswar to Dubai bahut acha raha, aur Dubai ek aviation hub hai, business hub hai. बाजार बहुत है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा उड़ीसा के साथ दुबई का, जब लिंक हो रहा है, डायरेक्ट लिंक हो रहा है. जहाँ तक मैं उड़ीसा से हूँ, पहली बार, पहली दफ़ा मुझे डायरेक्ट फ्लाइट से मुझे दुबई का पहली बार मुझे आना पड़ा. अदर अलग अलग सिटी से जाना पड़ता था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. उड़ीसा से आई हूँ. मेरा नाम विष्णुप्रिया दास, मयूरभंज मिशन शक्ति का प्रेसिडेंट हूँ. अच्छा लगता है, पहली बार मैं एयरपोर्ट आई, पहली बार फ्लाइट चढ़ी, दुबई आई, बहुत बहुत अच्छा लगता है. हमारा जो मुख्यमंत्री है, ओडिशा का मुख्यमंत्री नवीन जी को बहुत बहुत बधाई हूँ. मिशन शक्ति कमिश्नर मैडम को बहुत बहुत बधाई हूँ. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, पहली बार मैं दुबई आई हूँ. ऐसे उड़िया यहाँ रहते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. ये हमारे लिए एक प्राउड का मूवमेंट है. ये बहुत दिन से हम लोगों का सपना था कि डायरेक्ट ओडिशा से कोई भुवनेश्वर का, दुबई का लैंड करे, तो वो सपना आज हमारा बहुत पूरा हुआ है. और हम लोग साल में 3-4 बार घर जाते हैं, और एक बार जर्नी करते हैं तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 12-13 घंटा लग जाता था. कहीं जाके दुबई, सर, दिल्ली होके, बॉम्बे होके, हैदराबाद होके जाते थे, तो अभी हम 5 घंटे में पहुंच सकते हैं. 5 घंटा? हाँ, तो आधा टाइम. किसी का कुछ इमरजेंसी हुआ तो हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा हेल्प है हम लोगों के लिए. लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम द ब्रू न्यूज़.